अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस वीडियो को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तक, क्योंकि यू नो कि वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। घर बनाते वक्त यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है जो वैसे ही कई स्टेप्स के बीच में से डंडी मार जाता है। इस घर का ग्रे स्ट्रक्चर 3 महीने में कंप्लीट हुआ है और हमने हर स्टेप की अलहदा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। ऑनेस्टली होता यह है कि कई टेक्निकल लोगों को भी हर एक स्टेप का नहीं पता होता, तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आपके पास एक कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बजट हाउस है और इसमें तमाम स्टेप्स बजट हाउस वाले ही यूज़ हुए हैं और मटेरियल्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ हुए हैं। नाउ आई विल नॉट कीप यू वेटिंग, चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले स्टेप में प्लॉट का लेआउट किया जा रहा है। ये है बुनियादों की खुदाई, जो कि इसका दूसरा स्टेप है। बुनियादों की खुदाई के बाद टर्माइट प्रूफिंग कराना ना भूलिएगा। ध्यान रखें कि इसके फ्यूम्स डेंजरस होते हैं, सो अगर आप खुद कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप को सही से कवर कर लें। अगर बुनियादों में कुछ गिर जाए तो पीसीसी से पहले उसे साफ कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं लेवलिंग ऑफ पीसीसी की तरफ। पीसीसी की लेवलिंग इस स्टेप में की जा रही है। स्टेप नंबर 6, जो कि हमारा पोरिंग ऑफ पीसीसी का स्टेप है, इस स्टेप में 1:2:4 के रेशियो के साथ पीसीसी डलना शुरू हो गई है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पोरिंग करने के बाद उसे लेवल किया जाता है। उसके ऊपर सीमेंट छिड़का जा रहा है। इसका मकसद ये है कि मसाले की पकड़ बेहतर होती है। ये चिप्स का प्लास्टर किया जा रहा है सो दैट सीपेज से बचा जा सके। ले जी, हमारी बुनियादों और कॉलम की भराई स्टार्ट हो गई है। अगर आप स्टेप्स ऑफ फाउंडेशन की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ, आप उसको प्रेस करके देख सकते हैं। अब कॉलम की बुनियादें भरी जा रही हैं, जो कि हम इसी स्टेप में काउंट कर रहे हैं। घर की फ्रंट बाउंड्री वॉल तैयार हो रही है और इसको खास ध्यान से तैयार किया जाता है, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी दीवार एक्चुअल लाइन पे है या नहीं। 9th स्टेप ये होगा कि आप घर की डीपीसी डालेंगे। डीपीसी एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है, इसको डालना लाजिम है। याद रहे कि इस स्टेप को ओमिट नहीं किया जा सकता। अगर डीपीसी नहीं डली या गलत डल गई तो आपके घर में सीपेज चढ़ आएगी और आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये अब आप देख सकते हैं कि बिचुमन को गर्म करके इसको अब डीपीसी के ऊपर डाला जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाई जाएगी। ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया है। ब्रिक वर्क में 1 सीमेंट और 4 रेत का मसाला इस्तेमाल किया जाता है।
जब दीवार 5 फुट से ऊपर जाती है तो स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है। अगला स्टेप है स्टील डोर फ्रेम लगने का। अगर आपका फ्रेम वुड का है तो ये स्टेप बाद में आएगा। 12वें स्टेप पर घर की शटरिंग की जाती है और शटरिंग 2 किस्म की होती है, स्टील और वुड की। प्रेफरेबल ये है कि आप स्टील की शटरिंग करें, इवन अगर आपका बजट हाउस है। शटरिंग के बाद आपको सरिया बांधना होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। घर की छत डलना शुरू हो गई है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एंड माइंड यू कि ये एक दिन में ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। एक टिप यहाँ पर दे दूँ कि जब आपके घर की छत डलने लगी हो तो उससे पहले उस दिन का वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक कर लें। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल छत डल गई है। अगर छत एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी तो आपका बहुत सारा मटेरियल ज़ाया हो सकता है। एक दिन बाद इस पर पानी डालना होता है। अब प्लम्बिंग का काम शुरू हो गया है। ध्यान रखें कि घर में सिर्फ पीवीसी के पाइप इस्तेमाल किए जाएं। ये इस तरह से इस पाइप को गर्म करके जॉइन किया जाता है ताकि उसमें लीकेज ना हो। ये अब सीवरेज की पाइप्स डाले जा रहे हैं। सीवरेज के पाइप्स डालते हुए लेवल का ध्यान जरूर रखना होता है। इस तरह से इस पाइप का जॉइंट लगाया जाता है। अब सारी पाइप्स को मैनहोल से अटैच किया जा रहा है। यहाँ पर ये जरूर तसल्ली कर लें कि कोई लीकेज ना हो। पाइप्स में 2 दिन पानी चलाकर उसका प्रेशर और लीकेज जरूर चेक करें। अठारवां स्टेप है प्लास्टरिंग का। सबसे पहले छत की प्लास्टरिंग की जा रही है।
साथ इसको प्लेन भी किया जा रहा है। छत के प्लास्टर के बाद दीवार का प्लास्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले दीवार पर नीरू छिड़का जा रहा है। नीरू बेसिकली एक सीमेंट का मिक्सचर होता है जो कि तकरीबन लिक्विड फॉर्म में होता है। अब दीवारों की प्लास्टरिंग शुरू हो गई है। प्लास्टर करने के बाद रेत और सीमेंट छिड़का जाता है। ये प्रोसेस हम थोड़ा डिटेल में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि घर की खूबसूरती का इंसार इस पर है। प्लास्टरिंग में जहां पोर्स रह जाते हैं वहां ये फिलिंग होती है। अगर आपका प्लास्टर टेढ़ा तिरछा होगा तो दीवारें बहुत बुरी लगेंगी। छोटा घर बनाते वक्त एक तो ये मसला होता है कि आपके पास स्पेस बहुत कम होती है, और अगर साथ और भी घर बने हो तो उसमें मसला ये आता है कि आपके पास अपना मटेरियल हैंडल करने के लिए बहुत ही लिमिटेड स्पेस होती है। इवन कि आपको मलबा भी अपने प्लॉट के सामने ही रखना पड़ता है, तो उससे होता ही है कि अगर आप कहीं दूर रखेंगे तो आपको बैकफिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सो मटेरियल की हैंडलिंग और ऑर्डरिंग बड़े घर में इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जैसे कि छोटे घर में होती है। बहुत जल्द हम आपके लिए इस घर की फिनिशिंग वीडियो भी बनाएंगे और इसके साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर की वीडियो भी, जिसमें हमने डिफरेंट मेम्ब्रेन्स ऐड की होंगी आपको दिखाने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आप हमारी अपडेट्स हासिल कर सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।